तो ये जो हमारा सॉन्ग है ये बेस्ड है एक स्ट्रमिंग पैटर्न पे कॉल्ड रूम्बा, ठीक है। और ये जो स्ट्रमिंग पैटर्न है रूम्बा, ये फ्लेमिंको म्यूज़िक है, स्पेनिश म्यूज़िक फ्लेमिंको है, उसका एक स्ट्रमिंग पैटर्न, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये बेसिक पैटर्न सीखेंगे, उसके बाद इसके अंदर तीन वेरिएशंस हैं जो मैंने रखी हैं वो हम सीखेंगे, देन जो बेसिक पैटर्न था हमारा उसके साथ हम पूरा सॉन्ग सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम पहले बेसिक पैटर्न देखते हैं, उसके बाद इसकी तीन वेरिएशंस देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक पैटर्न है हमारा ये, फर्स्ट वेरिएशन, सेकेंड वेरिएशन, एंड द थर्ड वेरिएशन इज दिस। तो अभी हम बेसिक पैटर्न देखते हैं और उसको सीखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा बेसिक पैटर्न है पहले देख लेते हैं, ये है इसकी, इसके अंदर एट मूव्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मूव इज डाउन विद द फिंगर्स, सेकंड अप विद द फिंगर्स, थर्ड डाउन विद द फिंगर्स, फोर्थ अप विद द फिंगर्स, सिक्स्थ डाउन विद द, फिफ्थ डाउन विद द थंब। और जब डाउन विद द थंब आप जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप लास्ट टू स्ट्रिंग्स को आप हिट करो, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, देन 6 अप विद द थंब, अगेन दो स्ट्रिंग्स को हिट करो लास्ट वाली, और उसके बाद स्लैप 7th। सो 1 2 3 4 5 6 7, देन 8th मूव अप। सो 1 2 3 4 5 6 7 अप, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी पहली वेरिएशन हमने देखी थी वो थी ये। इसके लिए आपको इसके अंदर मतलब 7 मूव्स हैं हमारी, ठीक है। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है आपको, तो अभी मैं यही कहूँगा कि आप इसको अवॉइड करना, और जब आप बेसिक पैटर्न अच्छे से सीख जाओ उसके बाद इसको ट्राई करना, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 7 मूव्स हैं इसमें, ठीक है। तो 1 2, देन हाफ टर्न लाइक दिस, देन फोर्थ लाइक दिस, फिफ्थ अप विद द थंब, दोबारा देखते हैं 1 2 3 4 5, देन स्लैप 6, देन 7। सो 1 2, ठीक है। सेकेंड वेरिएशन थी हमारी, तो ये जो वेरिएशन है इसमें 8 मूव्स हैं, ठीक है। फर्स्ट डाउन, सेकंड अप, थर्ड डाउन, फोर्थ अप लाइक दिस, एंड फिफ्थ डाउन। सो 1 2 3 4 5, देन 6 अप विद द थंब, 7 स्लैप अप, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 अप 8। अभी वेरिएशंस जो एक बची है वो हम देखेंगे एंड में वीडियो के, ठीक है, जब हम पूरा सॉन्ग सीख चुके होंगे। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट सॉन्ग की तरफ। सॉन्ग हमारा शुरू होगा 12th फ्रेट पे। हमें क्या करना है, हमें बाकी सारी स्ट्रिंग्स म्यूट करनी है, फर्स्ट स्ट्रिंग 12th फ्रेट को फ्रेट करना है हमें। किसी भी किसी भी एक फिंगर से कर सकते हो, मिडल, इंडेक्स, या फिर इससे, इंडेक्स कह रहा हूँ, रिंग या फिर पिंकी से, ठीक है। तो मैं जनरली मिडल से करता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स म्यूट करना है इंडेक्स से, देन म्यूट विद मिडल फिंगर एंड प्ले।
not this. Song starts from here. यहाँ पे ये जो डाउन 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 हो रहा है, ये तो यार आई गेस कि आप लोग कर लोगे, ठीक है, वीडियो से, मतलब ओरिजिनल वीडियो को देख के भी आप ये समझ सकते हो, ठीक है, ये नेचुरली आ जाएगा. उसके बाद जो हमारा मेन सॉन्ग शुरू होता है वो यहाँ से होता है. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने बेसिक पैटर्न अभी सीखा था, इसमें जो हमारा सेवन्थ मूव था 1 2 3 4 5 6 7 स्लैप वाला, उसको अब हमने कन्वर्ट कर दिया डाउन में. सो 1 2 3 4 5 6 7 अब ये जो था अभी हो गया. समझे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. तो और जो दूसरी हमने चेंज कर दिया इसमें, वो क्या कर रहा है, हमने पहले हम फिंगर से प्ले कर रहे थे, अब सिर्फ हम इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे, ठीक है. तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है. इसको रिपीट करना है हमें 4 बार. जब 4 बार हम कर लेंगे इंडेक्स फिंगर के साथ, उसके बाद हमें चारों फिंगर्स का यूज करना है लाइक दिस. दोबारा देखते हैं. फोर टाइम्स हो गया, उसके बाद ऑल फिंगर्स. यहाँ पे एक जो दूसरी चीज यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो क्या है कि जब हम पैटर्न का थर्ड मूव प्ले कर रहे हैं 1 2 3, ये जो थर्ड मूव है ना, इसको हम स्ट्रॉन्ग मार रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहे हैं इसको, लाइक डाउन, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग, ठीक है. सो 1 2, ठीक है. इसके बाद हमें करना है वेरिएशन, ठीक है. सो देन ये वेरिएशन मैंने डाला था. इसके लिए हमें जो वेरिएशन 1 और 2 थी उसमें क्या करना है, हमें जहाँ पे हम स्लैप डाल रहे थे, लाइक यहाँ जो स्लैप आ रहा था ना, उसको हमने डाउन में कन्वर्ट कर दिया. सिमिलरली जो सेकंड वेरिएशन थी, इसमें जो डाउन स्लैप आ रहा था, इसको भी हमने डाउन में कन्वर्ट कर दिया. सो ठीक है. सो पूरा देखते हैं दोबारा. उसके बाद हमें मूव करना है फ्रॉम 12th to 11th fret और एंड देन 11th to 8th fret एंड 7th fret. और जब मूव हमें कब करना है, लाइक जब हम पैटर्न का थर्ड मूव प्ले कर रहे हैं, वो जब ख़त्म होगा उसके बाद हमें मूव करना है, ठीक है. सो 1 2 3 देन मूव, रेस्ट जो हमारे मूव्स बचे वो हम फिर अगले वाले नोट पे प्ले करेंगे. तो यह अभी हम कहाँ पे ख़त्म करा हमने, देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 शिफ्ट फ्रॉम 12th to 11. जैसे हमने यहाँ पे 12th से 11 गए, वैसे ही हम यहाँ पे 8th से 7 गए. सो एक पैटर्न हमें पूरा प्ले करना है इन दो नोट्स पे. सिमिलरली एक पैटर्न हमें पूरा प्ले करना है इन दोनों नोट्स पे, ठीक है. और हम बेसिक वाला पैटर्न यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. तीन बार प्ले करा, उसके बाद हमें आ जाना है 4th fret पे, ठीक है. और अभी हमें इसे प्रेस नहीं करना है, अभी हमें क्या प्ले करना है पहले वो देखते हैं. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली नोट्स प्ले कर रहे हैं 0 4 5 एंड 7, ठीक है.
तो हमें करना क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ये करा था ना, सिमिलरली हमें यहाँ पे अब 0 और 4 और 5 एंड 7 के बीच में अब सेम प्ले करना है, ठीक है। सो 1 2 3 देन 3 मूव्स हो गए, उसके बाद जो बचे हुए मूव्स हैं पैटर्न के वो हमें प्ले करना है 4 के ऊपर। सो 1 2 3 देन जब हम अप जा रहे हैं, 8th मूव है जो हमारा, उस पर हमें स्लाइड लेना है फ्रॉम 4 to 5। सो 1 2 3 देन 5 पे सेम पैटर्न प्ले करना है 1 2 3 देन स्लाइड टू 7 बचे हुए मूव्स। सो ये हो गया। इसके बाद इसको प्ले करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन नोट प्ले करना है सेम जैसे अभी हमने करा था, जो ये हमने अभी प्ले करा ना इसको अब आपको सेम प्ले करना है 4th फ्रेट 5th फ्रेट 5th फ्रेट 7th फ्रेट, ठीक है, सेम। सो 1 2 3 सेम 4 5 5th फ्रेट देन अगेन सेम फॉर द 7th फ्रेट। इसके बाद पहले 3 मूव्स ऑन 10th फ्रेट देन 8th फ्रेट पे पुल ऑफ। सो और जब अब जा रहे हो आप 8th मूव में तब आपको पुल ऑफ लेना है फ्रॉम 8 to 7 लाइक दिस। सो इसको आपको 2 बार बजाना है, जब आप सेकंड टाइम आप इसको प्ले कर रहे हो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम पे आपको वेरिएशन 1 के साथ प्ले करना है सेम। इसके बाद 7 और 8 पे आपको हैमर एंड पुल ऑफ लेना है। सो थर्ड मूव पे आपको हैमर एंड पुल ऑफ लेना है then you have to slide back to 5th fret और आपको लेना है 5 to 7 hammer and pull off 3rd move fret। so इसके बाद E major chord हमें पकड़नी है और हमें play करना है पूरा pattern, basic pattern, then 1 to 4 slide, और slide हम कब करेंगे 1 to 4 on to the on थर्ड मूव, ठीक है। सो और 8th मूव पे हमें स्लाइड बैक करना है 1 पे। सो ये हमें टोटल 3 बार बजाना है। सो और जब आप 1 to 4 वाला पैटर्न बजा रहे हो तब आपको इंडेक्स से बजाना है, वो इंडेक्स फिंगर से, लाइक फिंगर्स के साथ ये वाला और इंडेक्स फिंगर के साथ 1 2 4। ठीक है, इसके बाद आपको आना है ए माइनर कॉर्ड पे, ठीक है, और आपको बजाना है एक बार पैटर्न। इसके बाद आपको 8th फ्रेट पे आके 7th पे स्लाइड लेना है 3rd मूव पे। सो इसके बाद कॉर्ड शेप चेंज करनी है टू जी मेजर, ठीक है, और स्लाइड इस बार लेनी है हमें 7 to 5 देन एफ मेजर कॉर्ड, और इस बार स्लाइड लेनी है 5 to 4 देन ई मेजर कॉर्ड 2 बार, देन अगेन ए माइनर कॉर्ड सेम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार उसके बाद जो 5 to 4 हम जा रहे हैं वो 3 बार जा रहे हैं, 3 बार हम यहाँ पे पैटर्न प्ले कर रहे हैं, ठीक है। 3 बार बजाने के बाद आपको आना है ई मेजर कॉर्ड पे और 2 बार पैटर्न बजाना है। इसके बाद एक पैटर्न में फिर से चेंज है, वेरिएशन है, ठीक है, उसके मूव्स क्या हैं देख लेते हैं, पहले देख लेते बजाना क्या।
ये बजाना है, ठीक है। तो पैटर्न यहाँ पे हमारा क्या चेंज हो रहा है, पैटर्न हो रहा है हमारा डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, डाउन विद द फिंगर्स, अप विद द थंब, डाउन विद द फिंगर्स, अप विद द फिंगर्स, डाउन विद द फिंगर्स, अप विद द फिंगर्स, डाउन विद द थंब, अप विद द थंब, एट मूव्स टोटल। ये है, ठीक है। सो एक बार ई माइनर पे, देन ई मेजर पे, अगेन कम बैक टू ए माइनर कॉर्ड, और इस बार आपको पैटर्न चेंज करना है इस पे। ये वाला पैटर्न अब आपको बजाना है ए माइनर पे। दोबारा देखते हैं शुरू से। सेम पैटर्न ई मेजर पे। इसके बाद आपको कॉर्ड शेप चेंज करनी है डी माइनर पे, डी माइनर पे, और आपको रिंग फिंगर का यूज़ करके फ्रेट करना है थर्ड फ्रेट सेवन्थ स्ट्रिंग, सेवन्थ नहीं, थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, ठीक है। सो उसके बाद इस पर आपको दो बार पैटर्न जाना है, देन शिफ्ट टू ए माइनर कॉर्ड एंड देन ई मेजर कॉर्ड, देन अगेन ए माइनर कॉर्ड, एक बार पैटर्न, देन ये वाला पैटर्न फिर से दोबारा देखते हैं। डाउन पे चेंज करना है फिर से पैटर्न डी माइनर पे। एक बार बजाने के बाद दूसरी बार आपको स्लाइड लेना है और आपको जो कॉर्ड शेप है उसको टू फ्रेट्स आगे पुश कर देना है। सो इसके बाद शिफ्ट पोजीशन टू फ्रेट्स आगे, देन बचे हुए मूव्स, और जब एट्थ बजा रहे हैं आपको वाला, तब आपको वापस स्लाइड बैक लेना है फ्रॉम मतलब टू फ्रेट्स बैक आपको वापस जाना है, ठीक है। देन ए माइनर कॉर्ड, और इसमें भी आपको एक शिफ्ट लेना है फ्रॉम ए माइनर टू डी माइनर ऑन थर्ड मूव, सो और एट्थ मूव पे वापस ए माइनर पे, और ए माइनर को आपको दोबारा प्ले करना है फिर से। सो ठीक है, देन ई मेजर अगेन, फिर से सेम पैटर्न। इसके बाद आपको सेम चीज बजानी है, बस इस बार आपको टेम्पो थोड़ी कम कर देनी है। सो सेम बजाया, बस हमने थोड़ा स्पीड इसकी कम कर दिया, ठीक है। इसके बाद ई मेजर दो बार दोबारा, ए माइनर पे आपको एक बार पैटर्न प्ले करना है, और अगली बार जब आप पैटर्न प्ले करोगे तो आपको स्ट्रिंग्स म्यूट कर देनी है और दो बार पैटर्न प्ले करना है। सो और फर्स्ट वेरिएशन आपको यूज़ करनी है यहाँ पे दो बार, जब दो बार ये पैटर्न आप प्ले कर दो, उसके बाद आप फिर से आ जाना ए माइनर कॉर्ड पे, और इस बार दो बार आप बजाओगे ए माइनर कॉर्ड, वेरिएशन वन और टू के साथ बजा लेना, ठीक है। इसके बाद दो बार बजाने के बाद आपको आना है एट्थ फ्रेट पे और पूरा बजाना है, पूरा बजाना है एक पैटर्न के साथ, देन फिर एक पैटर्न यूज़ करके आपको सेवन फ्रेट के लिए भी बजाना है भाई सेम चीज़। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न दो बार बजाया, इसके बाद हमने एट्थ के लिए बजाया एक बार पूरा पैटर्न, देन सेवन्थ के लिए पूरा पैटर्न बजाया, देन जी मेजर कॉर्ड पे आए, सेवन्थ पे पूरा पैटर्न बजाया, सिक्स्थ पे पूरा पैटर्न, फिफ्थ पे पूरा पैटर्न बजाया, देन एफ मेजर कॉर्ड। वेरिएशन आप कुछ भी रख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एफ मेजर पे आके फिर से फाइव और फोर के लिए आपने एक एक बार बजाया, देन ई मेजर कॉर्ड दो बार। इसके बाद आपको म्यूट करनी है स्ट्रिंग्स और चार बार पैटर्न बजाना है, कोई भी पैटर्न आप बजा सकते हो।
अब यहाँ पे हम थर्ड पैटर्न देख सकते देख लेते हैं जो हमने वेरिएशन हमने पहले देखी थी, उसमें क्या हो रहा था, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप स्लैप. सो ठीक है, सो चार बार बजाया. उसके बाद इसको आपको रिपीट करना है, ठीक है. और ये जो हम बजा रहे हैं इसमें आप कोई भी वेरिएशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे आने के बाद रिपीट, यहाँ पे अब क्या हो रहा है ई मेजर पे जो हमने 12th फ्रेट का पैटर्न सीखा था, अब वही हमें ई मेजर पे बजाना है. बजाने के बाद ए माइनर पे सेम पैटर्न, मतलब पूरे कॉर्ड प्रोग्रेशन पे हमें सेम पैटर्न यूज करना है. फिर कॉर्ड प्रोग्रेशन वही प्ले करना है. ये इसके लिए आपको क्या करना है, तीन फिंगर्स यूज करनी है, रिंग इंडेक्स रिंग मिडल और इंडेक्स, ठीक है. और आपको यूज़ कैसे करनी है, ये फर्स्ट रिंग अप मिडल अप इंडेक्स अप, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पिंकी जो है आपकी वो रिंग फिंगर के साथ अपने आप मूव होने लग जाएगी जब आप मतलब इसको सीख जाओगे. आई होप कि आपको ये मतलब ट्यूटोरियल समझ आया हो यार, ठीक है. तो मेरे लिए भी मतलब काफ़ी मुश्किल हो गया था इसको समझाना, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा. इसके बाद अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है तो डायरेक्टली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है. इसके अलावा हमने एम रखा है 5K सब्सक्राइबर्स का, ज़रूर जाके सब्सक्राइब करो यार चैनल को, ठीक है. सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई पर्सनल क्वेरी है आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक डाल दूंगा अपने इंस्टा और फेसबुक पे, तो आप वहाँ जाके मेरे को पर्सनली पूछ भी सकते हो, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा. इसके अलावा बहुत टफ टाइम है यार, सब ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है, सबका ध्यान रखो, एक दूसरे का ध्यान रखो. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ मतलब बढ़िया करो यार सब, ठीक है, बाय बाय.